शांति। रात्रि क्लास चल रहा था 12 जनवरी 1964। रिवाइज मुरली है 1969 12 जनवरी। बात चल रही थी जो धनवान होंगे उनको तो धंधे धोरी के बहुत संकल्प आते हों, बाबा क्या अभी कहेंगे कि हम फलाना धंधा करें? हमारा जवाहरात का धंधा इतना मीठा था और ऐसा सहज था, अरे सोचा हम तो कुछ भी नहीं करें। हम सिर्फ खरीद करें और फट से बेच देवें, कोई भी धक्का खाने की दरकार नहीं। धक्का भी दलालों को खाना पड़े। हम सिर्फ टेबल पर बैठ करके व्यापारी आवे, हम उनसे हीरा युक्ति से लेवे। और हमारी युक्ति यही थी कि सदैव छांट करके हीरे लेना। ये मेरे को एक हावी थी तो बस छांट करके लेना और फिर दलालों को देना। जो करके बेच करके आओ और पैसा लेकर के आओ, और तो कुछ नहीं। अभी ये चीज ऐसी है जो कोई लेने वाले हो, बेचने वाले हो, उनको सोझरा चाहिए, ज्ञान की रोशनी चाहिए। रात को इस समय में कोई हीरे की चीज लेंगे ये भी अज्ञान की रात है। रात को तो नहीं ले सकेंगे, रात को अगर लेंगे तो विश्वास पर ही लेंगे। तो इसलिए बस थोड़ी शाम हुई, ये भागा बाबा ये समझ करके कि शाम को कौन आकर के लेंगे। कोई दलाल को हम हीरा देंगे तो क्या वो बेच करके हमको देंगे? अभी लेंगे तो दे ही देंगे। सो तो कभी भी दिन में ले आ करके देंगे। यहाँ संगम युग में भी ब्रह्मा का दिन होता है ना, ब्रह्मा की रात होती है ना, ज्ञान के हीरे रतन है ना। हद और बेहद में दोनों में बात लागू होती है। तो शाम को क्यों आएंगे मेरे पास?
कोई मेरे पास आएंगे ही नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में पास्ट के समय में कब कहेंगे शाम, जब सूर्यास्त होता है। कहाँ बनी हुई है यादगार? है माउंट आबू में यादगार भी है, सनसेट पॉइंट। तो बोला शाम को कोई भी मेरे पास हीरे लेने नहीं आवेंगे। कौन सा टाइम हुआ, कौन सा वर्ष हुआ, जबकि कोई भी हीरे लेने वाले नहीं थे। कब कहें? अरे माउंट आबू में ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कब सूर्यास्त हुआ? 69 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। ज्ञान सूर्य छिप गया। उस समय तक ब्राह्मणों की दुनिया में कोई भी हीरे लेने वाले नहीं थे, कोई भी ऐसे बंदे नहीं थे जो इन ज्ञान के हीरों को खरीद सके। शाम 5 बजे तुम भी चाय पीती हो ना? तुम्हारी भी कोई चाह होती है ना, तो तुम चाय पीती हो ना, तो वहां लौकिक दुनिया का भी हमारा टाइम पास पीने का ही होता था। चाय पिया और ये भागा तो ददाल व्यापारियों को सबको मालूम होता था कि बाबा ये शाम को बरसात होगी तो भी जाकर के फुटबॉल मैच या जो भी बरसात में है, भांति भांति के खेल होते हैं ना, ना होगी तो हॉकी पर जाएंगे और ठंडी होगी तो क्रिकेट पर जाएंगे। और ऐसे में हां भी सबकी थी। सुना मैचेस और ऐसे तो रोज ही होती रहती है। तो मैच देखने ये भागा, क्योंकि फकुर था कि ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, हीरा कोई से लेना देना भी है तो अच्छी तरह से लेना है। व्यापारी भी समझे कि ये गरम व्यापारी है, वो ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं देता था। ये हमारी प्राइवेट तकलीफ है, जो भी व्यापारी आएगा पूछूंगा बताओ एजेंट हो या मालिक हो। ज्ञान की दुनिया में
या ब्राह्मणों की दुनिया में अथवा बाहर की दुनिया में एजेंट कौन होते हैं और मालिक कौन होते हैं, अपनी अपनी दुकानों के मालिक होते हैं, हीरे जवाहरातों के मालिक, और फिर उनके नीचे अपने अपने एजेंट होते हैं। कौन कौन है हीरे ज्योती माणिक पन्नों के मालिक और कौन होते हैं उनके एजेंट? है? अरे ये जो भी धर्म पिताएं हैं वो मालिक हैं, और उनके जो भी सहयोगी हैं वो सब एजेंट हैं। जो उनकी ही माला में आने वाले होते हैं, तो पूछा, क्योंकि अगर एजेंट हो तो वो एक आधा गलत सलत मिलाए दे। क्या गलत सलत मिलाए दे? हैं? हीरे बेचने वाले अगर मालिक हो और एक आध उनमें झूठा हीरा मिलाए देवे या बनाए देवे तो बेच तो सकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी दुकान के मालिक है ना। अगर पकड़े जावे तो बहुत बेइज्जती हो जावेगी। तो ये कायदा ही नहीं है कि हीरों की दुकान का मालिक गलत रतन बेच देवे। धनी होगा तो धनी से तो जो चाहिए सो भी कर सकते हैं, भले वो हीरे वाले सब जानते हैं, परंतु उनको हुक्म नहीं है किनको, अपनी अपनी दुकान के उन मालिकों को, अर्थात धर्म पिताओं को हुक्म नहीं है कि गलत रतन बेच देवे। वो एक हीरा भी दूसरे में मिला ही नहीं सकते हैं। समझो कि जो धनी होगा मालिक होगा वो आएगा तो हम पूछेंगे कितना है, 10 पुड़िया है, अच्छा 10 पुड़िया में कितने कैरेट हुए भाई, 200 कैरेट हुए या 300 कैरेट हुए? हम बोलेंगे अच्छा छोड़ करके जाओ, हम देख करके रखेंगे, सो तो सभी छोड़ करके जाते ही हैं। जो अच्छे व्यापारी होते हैं तो उनसे कोई भी रसीद वसीद लेने की दरकार नहीं रहती है,
के विश्वासी होते हैं। अरे भाई, इसमें तो बुद्धि का योग है। जैसे तुम भी मेहनत करते हो तो ये भी मेहनत करते हैं। जब भी बच्चों को ये समझाना है तो बाप का ही परिचय देना है। यहां और किसका परिचय देना है? कोई दूसरे देहधारी धर्म पिताओं का तो परिचय नहीं देंगे या देहधारी गुरुओं का तो परिचय नहीं देंगे कि ये बाप है। अरे भाई, यहां तो बाप दो है ना। कौन कौन से दो बाप हैं? खास यहां ज्ञान में चलने वालों के लिए, ब्राह्मणों की दुनिया में है एक लौकिक। लौकिक तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है, वो तो सैकड़ों करोड़ों अरबों हो जाएंगे। यहां तो दो ही बापों की बात की है। एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य आत्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप। तो जो मनुष्यों का बाप है वो हद की दुनिया का है या बेहद की दुनिया का है? हद की, जो 500 करोड़ की दुनिया है उसका एक ही बेहद का बाप है, मनुष्यों का बाप। वो है एक मनुष्यों का बाप जिसमें आत्माओं का बाप आकर के प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, वो है आत्माओं का बाप। अभी हद का चल रहा है कहां? अभी माने कहां? अभी हद का चल रहा है कहां? हद का चल रहा है, है? हद का कौन है? है? अरे मुरली किस समय की है? कौन से सन की है? है 64 की है। उस समय जो ज्ञान के हीरे लेने वाले थे उनकी बुद्धि में कौन सा बाप बसा हुआ था? हद का बसा हुआ था कि बेहद का? है हद का कौन? ब्रह्मा बाबा हद का बाप। वो भी हद का बाप बेहद का बाप था या हद का बाप था? है क्या वो 500 करोड़ का बाप था? ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा वो चंद्रवंशियों का बाप था या सब धर्म वालों का बाप था? है सिर्फ चंद्रवंशियों का बाप था। तो अभी माना सन 64 तक सबकी बुद्धि में हद का बाप चल रहा था, कोई की बुद्धि में बेहद का बाप नहीं था। बल हैं दो बेहद के बाप, एक आत्माओं का बाप। आत्माओं का बाप
ब्रह्मा के द्वारा दादा लेखराज के द्वारा प्रत्यक्ष होता है क्या? है नहीं प्रत्यक्ष होता है, उसका तो नाम ही है ब्रह्मा। क्या अर्थ हुआ? बेहद की अम्मा, ब्रह्मा ने बड़ी मां माने मां। दुनिया में जितनी भी माताएं हैं उन सब माताओं के बीच में बड़े थी बड़ी मां ब्रह्मा। वो बाप कहां हुआ? हद का भी नहीं तो बेहद का भी नहीं। हाँ, हद का अपने बच्चों का बाप हुआ, चंद्रवंशियों का बाप हुआ। तो अभी हद का चल रहा है, आधा कल्प हुआ। जब बेहद का बाप मिला था कितनों का, कितनों को है? आधा कल्प सतयुग त्रेता में कितनों को बेहद का बाप मिला था है? अरे सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं उतरती हैं वो कितनी आत्माओं को बेहद का बाप मिलता है? जो उस बेहद के बाप को पहचानती है, हैं? 4.5 लाख को? 4.5 लाख तो सतयुग के आदि में ही होते हैं, 9 लाख तो होते हैं। 4.5 लाख प्रवेश करने वाले, 4.5 लाख शरीरधारी। दोनों युगों में आधा कल्प में सतयुग त्रेता में हाँ 10 करोड़। तो आधा कल्प बेहद का बाप मिला था जिसको स्वर्ग और त्रेता कहते थे, उसको द्वापर और कलयुग कहते थे। जहां बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते। देखो दो बाप का वर्षा है ना, कितने बाप का वर्षा है? दो बाप का वर्षा है। सिर्फ आत्माओं के बाप का वर्षा नहीं है क्या? है? आत्माएं तो मनुष्य आत्माएं 500 करोड़ हैं, तो उनका बाप नहीं है क्या? है या नहीं? कौन आत्माओं का बाप? कौन? शिव बाप। सिर्फ शिव बाप कल्याणकारी बाप। तो अभी ये कलयुग पूरा होता है जहां 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं होती हैं, और उनका बेहद का बाप आत्माओं का बाप कलयुग अंत में प्रत्यक्ष होता है। अभी सतयुग आता है तो सतयुग में कौन आत्माएं जावेंगी और कौन नहीं जावेंगी है? पावन आत्माएं जावेंगी और पतित आत्माएं नहीं जावेंगी। क्या परिभाषा पतित आत्माओं की और पावन आत्माओं की है?
बाप को 10 करोड़ नहीं पहचानते क्या? त्रेता के अंत में आने वाले वो बाप को नहीं पहचानते, जो बाप सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करता है उस बाप को पहचानते नहीं हैं? सनातन धर्म वाली जो भी आत्माएं हैं वो बाप को पहचानती हैं या नहीं पहचानती हैं? वो तो पहचानती है, परंतु वो पहचानने वालों की संख्या कितनी हैं? 10 करोड़। वो पहचानते हैं, आत्माओं के बाप को भी पहचानते हैं, जो मुकर्रर रथधारी मनुष्यों के बाप में प्रवेश होता है। तो बताओ सतयुग आदि में कौन जावेंगे? 10 करोड़ जावेंगे है? कितने जावेंगे है? 4.5 लाख जावेंगे। उनमें प्रवेश करने वाले नहीं जावेंगे, सिर्फ सूर्यवंशियों से तो सनातन धर्म की दुनिया तैयार नहीं होती है। बाप आकर सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों की स्थापना करते हैं। अभी तो तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म, परंतु ब्राह्मण धर्म सिर्फ संगम युग में होता है। तो सतयुग आदि में जाने वालों की संख्या होगी 9 लाख, आधे चंद्रवंशी और आधे सूर्यवंशी। प्रवेश करने वाले चंद्रवंशी, और जिनमें प्रवेश करते हैं वो हुए सूर्यवंशी, क्योंकि एकदम सतयुग के आदि में जो सतयुग में पैदा होने वाले बच्चे होंगे पहले जन्म में, उनको जन्म देने वाले सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी होंगे? सूर्यवंशी होंगे। तो साबित होता है कि सतयुग के आदि में पतिता आत्माएं तो नहीं जावेंगी। क्या कहा है? सतयुग के आदि में वो ही आत्माएं जावेंगी जिन्होंने अपना देहबान है पूरा खत्म कर दिया हो, आत्मा बन गई हो, आत्म की स्थिति में स्थित हो गई हो। तो कितनी होंगी ऐसी है? 4.5 लाख होंगी जिनका देहबान इसी दुनिया में खत्म हो जाएगा। देहबान खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? आत्माएं बचेंगी। जो प्योर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे फिर उनके शरीर सुरक्षित रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे हैं? सुरक्षित रह सकेंगे। और जो देहबान में रह जाएंगे उनके शरीर यहां सुरक्षित नहीं रहते, उन सब को 4.5 लाख कम 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को कहां ठहरना पड़ेगा? परमधाम में ठहरना पड़ेगा। तो उनको क्या कहेंगे, पतित या पावन? साढ़े चार लाख जो प्रवेश करने वाले हैं वो पतित तो होंगे हैं? ब्रह्मा बाबा है उनमें फर्स्ट,
उसको पतित कहेंगे अंत समय में हैं? पतित कहेंगे हैं? कृष्ण जन्म लेगा सतयुग में, माने दादा लेख राजा ब्रह्मा की आत्मा सतयुग आदि में जन्म लेगी तो पतित कहेंगे? कहेंगे पतित नहीं कहेंगे। तो जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो भी भागीदार हो गए। देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए भागीदार हो गई। तो कहेंगे सतयुग में 9,00,000 पावन आत्माएं जावेंगी। कितने कला संपूर्ण होंगी पहले जन्म में? 16 कला संपूर्ण होंगी। तो उनको पतित तो नहीं कहेंगे। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे ना, कि कुछ कम कहेंगे? तो बस ऐसा बनने के लिए बाबा को अच्छी तरह से याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावेंगे। पाप कट जावेंगे तो कैसी स्थिति में स्थित हो जावेंगे हैं? आत्मिक स्थिति में स्थित हो जावेंगे। कौन किसके पाप कट जावेंगे हैं? तुम्हारे। तुम्हारे किसको कहा जाता है? जो सामने सन्मुख इन आंखों के सामने बैठते हैं और मन बुद्धि से भी सन्मुख होकर रहते हैं, विपरीत बुद्धि नहीं बनते हैं, उनके पाप कट जावेंगे और गुलगुल हो जावेंगे, अच्छे हो जावेंगे। फिर जितना याद करेंगे इतना पवित्र बनेंगे और फिर उतना ही दर्जा मिलेगा, क्योंकि सजा खाएंगे, बहुत याद करेंगे, याद करते करते जाकर मिलेंगे और उनको कोई भी याद नहीं आवेगा। किनको? जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे उनको और कोई भी याद नहीं आवेगा। 12/164/69 की वाणी का 5वां पेज। तो उस समय तो बहुत फायदा है पुरुषार्थ करने वालों को। किस समय है? जब आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगी उस समय पुरुषार्थ करने वालों को बहुत फायदा है। तुम बच्चे ये अच्छी तरह से जानते हो, परंतु उससे पहले अर्थात बीच में माया की लड़ाई है। क्या? जो माया की लड़ाई है वो अंत तक कौन लड़ेंगे है? सूर्यवंशी लड़ेंगे, चंद्रवंशी लड़ेंगे, इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन आदि लड़ेंगे। प्योर भी रहेंगे तो जो वाणी है, जो भी मुरली है वो प्योरिटी की स्टेज में धारण होगी या नहीं होगी है?
पक्की पक्की धारण होगी। अभी अभी जो भी मुरली सुनते हैं वो पक्की पक्की धारण होती है, है? नहीं होती है, परसेंटेज में कहेंगे। और सहज से सहज पॉइंट को खींचेंगे तो ऐसी आत्माएं चली आएंगी बाप के पास। कौन खींचेंगे? हैं? बाप खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? कोई रस्सी है उनके पास? हैं? याद की रस्सी में खींचेंगे। अच्छा, माने जो और 500 करोड़ आत्माएं हैं उनको याद की रस्सी से नहीं खींचेंगे? उनमें ताकत है कि वो अपने आप चली जाएं? हैं? नहीं, उनको भी कोई तो खींचेगा। स्नेह की डोरी से कोई खींचेगा या नहीं खींचेगा? जो उनके उनके मालिक धनी धर्म पिताएं कहे जाते हैं वो धर्म पिताएं उनको खींचेंगे। तो वो आत्माएं चली जाएंगी अपने अपने सेक्शन में, कि बेहद के बाप के सेक्शन में चली जाएंगी सब, हैं? अपने अपने बाप के सेक्शन में चली जाएंगी। अगर नहीं याद करते होंगे पतित तो होंगे। क्या? जो पतित होंगे वो वेद के बाप को याद नहीं कर पाएंगे। फिर कोई को तो याद करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? किसको याद करेंगे? मान लो क्राइस्ट है, 200 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं जो क्रिश्चियन धर्म की हैं। अंत समय में वो 200 करोड़ मनुष्य आत्माएं किसकी याद की डोरी से बंधी हुई होंगी? हैं? अपने धर्म पिता क्राइस्ट की याद की डोरी से बंधी हुई होंगी। वो बाप को, बेहद के बाप को पहचान सकेंगी? नहीं पहचान सकेंगी। तो उनको पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? हैं? पतित ही कहेंगे। तो फिर इन पॉइंट्स की भी इतनी जल्दी याद नहीं आएगी। क्या कहा? जो पॉइंट्स अभी समझाई, इन पॉइंट्स की उनको इतनी जल्दी याद नहीं आएगी। तो याद में भी और ज्ञान में भी कच्चे पड़ जाएंगे। हैं? कौन? हाँ, जो और धर्मों के फॉलोअर्स होंगे, वेद के बाप को छोड़ करके और धर्म पिताओं के फॉलोअर बनेंगे या उनकी समझानी के चक्कर में आ जाएंगे, वो उनको झूठे रतन बेचेंगे या सच्चे रतन बेचेंगे? धर्म पिताएं झूठे रतन बेचेंगे। मुख्य से मुख्य हीरे वाला झूठा रतन क्या बेचेंगे? अरे अभी भी ऐसे हैं जो बेहद का बाप बन के बैठ जाते हैं, झूठे रतन देते हैं, कहते हैं मैं हूं बेहद का बाप। मैं हूं प्रजापिता। तो झूठा ज्ञान सुनाया है या सच्चा ज्ञान सुनाया? तो ऐसों को फॉलो करने वाले याद में भी कच्चे हो जाएंगे और ज्ञान में भी। ज्ञान माने
ज्ञान माने समझ, ज्ञान माने पहचान। किसकी पहचान? बेहद के बाप की पहचान में कच्चे हो जावेंगे। तो ये तुम बच्चों का पुरुषार्थ, कच्चे बनने का और पक्के बनने का कहां चलता है, है? इस संगम युग में ही ये पुरुषार्थ चलता है। देहधारी गुरुओं के प्रभाव में आ जाते हैं तो कच्चे पड़ जाते हैं। और एक बाप की समझानी जो मुरली है, उस मुरली से प्रभावित होकर रहते हैं तो पक्के हो जाते हैं। काय बात में? ज्ञान में भी पक्के और याद में भी पक्के। फिर किनको? तकदीर के अनुसार समय मिलता है तो पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय नहीं मिलता है तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वो अपने आप से पूछ लेंगे, देखो हम कहां तक याद करते हैं। तो जहां तक याद करेंगे खुशी का पारा भी तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। और वो खुशी का पारा ऑटोमेटिक जरूर चढ़ेगा, क्योंकि जो खुशी का पारा 5000 वर्ष पहले तुमको चढ़ा था वो अभी उतरा है। फिर उस पॉइंट पर आएंगे तो फिर भी चढ़ता ही जाएगा। तो बाबा बच्चों को समझानी बहुत अच्छी देते हैं, परंतु पार्टधारियों का पार्ट तो नुधा हुआ है ना, तो बेचारे जितनी कलप पहले पुरुषार्थ करने की कोशिश की है इतनी ही कोशिश करते हैं। पीछे कोई की प्रैक्टिस अच्छी होती है, कोई की कम होती है, अंतमते सोई गति होती है और अंतमते ऊंची या नीची गति पुरुषार्थ की किस आधार पर होती है, है? पुरुषार्थी जीवन में जितनी अच्छी पुरुषार्थ करने की प्रैक्टिस की होगी सारा पुरुषार्थी जीवन में, अंत समय में है अंतमते सो ही गति हो जावेगी। किसकी कम गति होती है, किसकी ज्यादा गति होती है, ये भी समझ की बात है। ये स्कूल है तो जरूर याद किसकी कम और किसकी उससे भी कम और किसकी उससे जास्ती हो सकती है ना। अभी भी पुरुषार्थ करते हो, याद नहीं जुटती है तो कहेंगे ये कल्प कल्प ऐसे ही हुआ है। पीछे बल तुम कितना भी कोशिश करो, अगर ब्राह्मणों के पुरुषार्थी जीवन में लंबा समय का पुरुषार्थी जीवन है ना, तो उस पुरुषार्थी जीवन में अगर अच्छी याद ना आई तो अंत समय में अच्छी याद आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि अगर कल पहले तुम्हारी अगड़म बगड़म हो जाती है
तो अभी भी अगड़म बगड़म याद हो जाएगी। है तो आखिर ड्रामा, कल्प कल्प जो भी ड्रामा हुआ है वही ड्रामा चलेगा। पीछे तुम कितनी भी कोशिश करो, अच्छी याद नहीं आवेगी। तो अभी गिनती करो, अपरम अपार तुम आप करके ये पुरुषार्थ करते हो ना, तो अपरम अपार ये पुरुषार्थ एक जैसा ही चलता रहेगा, हर कल्प में ऐसे ही चलेगा। जास्ती याद बाबा की है, कोई को आती है तो उसका कारण क्या है, है? अगर किसी को बाबा की जास्ती याद आती है तो वह है श्रीमत पर चलने की बात। जो जास्ती श्रीमत पर चलते हैं उनकी याद भी जास्ती अच्छी होती है। जितनी कम बाबा की याद तो समझ लो वो माया की मत पर चलने वाले हैं। एक्यूरेट बाबा की मत पर चलने वाले नहीं है। तो ये लड़ाई चलती रहती है, कभी अच्छी याद और कभी उतनी अच्छी याद नहीं होती है। इसलिए इस लड़ाई में जीत पहनने के लिए विचार सागर मंथन करो। और कुछ है? विचार सागर मंथन करने के अलावा बल और कुछ न करो, तुम वास्तव में परवश हो। किसके परवश है? मायावी आत्माओं के परवश हो। आपस में बातें करते हैं ना तो उनकी बातों में लगाव हो जाता है, उनकी बातों में लगाव हो जाता है। हाँ ये बात तुम्हारी अच्छी है, ये बात सही है, बस उनकी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो तुम माया के परवश हो। जब बातों के चक्कर में आ जाते हो आपस में तो उन बातों में एक एक बात को लेकर ये नहीं सोचते हो कि ये बात श्रीमत के अनुकूल है या नहीं है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप इस बात को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, सोचते हो क्या? है नहीं? तो देखो अभी संगम युग में वास्तव में तुम परवश हो। किसके परवश हो? मायावी मनुष्य आत्माओं के परवश हो। 2500 वर्ष से मायावी आत्माओं के संग के रंग में रंगते रहे, तो उनके परवश हो जाते हो। और अभी ईश्वर अपने बस में कर रहा है क्या? ईश्वर क्या कर रहा है? हैं? अपने बस में कर रहा है और माया अपने बस में करती है क्या? मायावी आत्माएं जब अपनी ओर खींच लेती है ना तो किसकी याद आती है? बाबा की याद आती है या छूट जाती है? हैं? छूट जाती है, बाबा याद नहीं आता है। तो माया अपने वश में करती है
और ईश्वर अपने वश में करते हैं। तो ये रस्सा कसी का खेल चलता रहता है। रस्सा कसी का खेल देखा है? हैं? अरे शास्त्रों में ये रस्सा कसी का खेल प्रसिद्ध है या नहीं है? है? कौन सा खेल? सागर मंथन। आसुरी आत्माएं अपनी ओर खींचती हैं और ईश्वरीय संप्रदाय की आत्माएं अपनी ओर खींचती हैं। तो ये खेल है, बाकी इसमें घृणा आदि की कोई बात नहीं है। क्या? कि जो आत्माएं अपनी ओर खींच लेती हैं, बाबा की याद से तोड़ देती हैं, उनसे हमको घृणा हो जाए, वो बात करें तो हम उनसे बात ही न करें, हैं? इसको क्या कहेंगे? हैं? आत्माओं से प्यार कहेंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई कहेंगे या घृणा कहेंगे? ये तो घृणा की बात हो गई। तो समझो ये खेल है, तो इस खेल की बातों को बाप समझाते हैं। इस खेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो अनेक बार ये सब पार्ट बजाते हैं, तो उनको जरा भी नहीं, अपन को होता जरूर है, कुछ न कुछ होता है, ना हो तो झट कर्मातीत अवस्था को चले जावे। क्या? कुछ न कुछ माया का प्रभाव न पड़े या मायावी मनुष्य आत्माओं का प्रभाव न पड़े, कुछ भी असर न पड़े, तो क्या कहेंगे? कर्मातीत अवस्था हो गई। फिर तो हमको नई दुनिया चाहिए। यहां हम एक सेकंड भी रह नहीं सकेंगे, परंतु नहीं, ये तो ड्रामा बना हुआ है। क्योंकि कर्मातीत अवस्था तक आ जाते हैं तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, क्योंकि नई दुनिया में जाने के लिए टाइम तो मिलता है ना। तो अभी ये शाम है, रात है, बैठ कर क्या करेंगे? बैठ जाओ, बाबा को याद करो, जांच करो हमारी बुद्धि कहां कहां ही लगती है, किसके किसके पास जाती है, पता तो चलता है ना। लगाव झुकाव की निशानी क्या होती है? हैं? जहां लगाव होगा, जहां झुकाव होगा, बुद्धि कहां जाएगी? बार बार उन्हीं के पास बुद्धि जाएगी। तो देखो, हमको कहां कोई उंगली लगाता है, कहां कोई टच करता है, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ऐसे होता है ना, जैसे जब युद्ध करते हैं तो बड़ा खबरदार रहते हैं। क्या खबरदारी रखते हैं? कोई हमको अपने ज्ञान की तलवार से काट न दे, खबरदारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं। मान लो मल्ल युद्ध करते हैं, हथियारों से लड़ाई नहीं होती है, हाथ पांव से लड़ाई लड़ते हैं,
उसको क्या कहते हैं? मल्ल युद्ध। तो बहुत खबरदारी रखते हैं, कहीं ऐसा दांव पेच न लगाए देवे जो हम चारों खोना चित्त हो जाएं। यहां तो नहीं लगाते हैं, जो मल्ल युद्ध करते हैं वो टंगड़ी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाने की कोशिश करते हैं ना, वो पैर ऐसे ऐसे करते रहेंगे है? इधर टंगड़ी लगाएंगे, उधर टंगड़ी लगाएंगे, करते हैं ना है? तो बाबा ने टंगड़ी क्यों नहीं कहा, पैर क्यों कहा है? क्यों कहा पैर? क्योंकि ये बुद्ध रूपी पांव की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में बुद्ध रूपी पांव से बहुत आकर्षित करते हैं, तो अपन को ऐसे हटाते रहेंगे। तुमने कोई मल्ल युद्ध नहीं देखी होगी है? अखाड़े में दो पहलवान लड़ाई लड़ते हैं तो ऐसी लड़ाई औरतें देखने जाती हैं या मर्द देखने जाते हैं? मर्द जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुमने कोई ऐसी लड़ाई नहीं देखी होगी कि कोई टंगड़ी लगा करके परास्त कर देवे, हम आधीन हो जाए। अच्छा भाई, तुम्हें जैसे करना हो वैसे कर लो। तो तुमने ऐसी युद्ध कभी नहीं देखी होगी, कोई ने बॉक्सिंग नहीं देखी होगी, कोई ने कुश्ती नहीं देखी होगी, कोई ने कबड्डी वगैरह नहीं देखी होगी। कितना उस्तादी से भागते रहते हैं। दो पार्टियां होती है ना, कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी खेलते खेलते आगे बढ़ते हैं दूसरी पार्टी की तरफ है कि उनको टच करके हम भाग जाएं है। बुद्धि योग से हम टच करें अपने ज्ञान की बातें, लेकिन वो हमको नहीं पकड़ सके, होता है ना। तो कितना उस्तादी से भागते हैं कि हम टच करें लेकिन कोई हमको पकड़ ना सके। तो ये भी माया का हार जीत का खेल है। दुनिया में जो भी खेल होते हैं हद की दुनिया में, वो हद के देह अभिमान के खेल हैं। और ये तुम्हारा है ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के खेल हैं। अच्छा, शिकील दे रूहानी बच्चों के प्रति, रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति। Ahem.